हेलो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर अपन आगे जा रहे हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर को लेके। तो अब अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गया टेस्टिस। चलिए हेडिंग लिखिए टेस्टिस। टेस्टिस इज इक्वल टू ऑर्गन। टेस्टिस को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गन। छोटा था नहीं, चलो मैं दोबारा से बड़ा लिख रहा हूं। ओके, देखिए टेस्टिस। ओके साइज, ओके टेस्टिस इज इक्वल टू ऑर्गन। अब अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। टेस्टिस को लेके टेस्टिस की लोकेशन कहाँ है बताओ। चलो, टेस्टिस डेवलप कहाँ होगा? बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर या बाहर डेवलप हुआ? एब्डोमिन में, एट द अपर पोल ऑफ किडनी। कौन से टिश्यू से डेवलप हुआ? तो अपन वन बाय वन सब सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें टेस्टिस में लोकेशन। लोकेशन ऑफ द टेस्टिस, दो आंसर, प्रीनेटल लाइफ एंड पोस्टनेटल लाइफ। प्रीनेटल लाइफ एंड पोस्टनेटल लाइफ। प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल का मतलब थोड़ा छोटा देख रहा होगा, बट आप समझ लीजिए क्या लिखा है। प्रीनेटल लाइफ, पोस्टनेटल लाइफ। प्रीनेटल लाइफ का मतलब बिफोर बर्थ, तो बिफोर बर्थ आंसर क्या है? एब्डोमेन। पोस्टनेटल लाइफ स्क्रोटल साइड। ओके, पोस्टनेटल लाइफ स्क्रोटल साइड। फर्स्ट लोकेशन। अब टेस्टिस को फिक्स कौन करके रखता है? स्क्रोटल साइड। तो फिक्स करके रखता है, इसको अपन ने नाम दिया था गुबर्नेकुलम टेस्टिस। दूसरा, टेस्टिस का टेम्परेचर स्क्रोटल साइड में कितना कम हो जाता है? नॉर्मल से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और डिक्रीज करने वाली जो मसल है वो कौन सी है? डार्टोज मसल। क्या नाम दिया? डार्टोज मसल। दूसरा, ये तो अपन पहले पढ़ चुके थे अबाउट द टेस्टिस लोकेशन। टेस्टिस को फिक्स कौन करता है? टेम्परेचर मेंटेन कौन करके रखती है? स्पॉटर सैक में 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? जिससे कि इस टेस्टिस में किसका फॉर्मेशन हो सके? स्पर्म का। नेक्स्ट, अब आता है अगला, शेप ऑफ द टेस्टिस। तो शेप कैसा होता है? ओवल शेप। टेस्टिस का शेप कैसा है? ओवल। ओवल शेप कैसे होता है वो देखिए। ये देखिए ओरिजिनल टेस्टिस। ओरिजिनल टेस्टिस है ये। हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में थे उस समय शरारती स्टूडेंट हुआ करते थे। एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जो बॉडी डिसेक्शन होता है वहां से एक टेस्टिस को एप्रन में डाला, बाहर लाके तब से अभी तक ये प्रिजर्व करके रखा है। शेप देख पा रहे हैं आप कैसा है? ओवल शेप दिख पा रहा है। और इसका कलर कैसा दिख रहा है? अच्छा बताओ कलर कैसा दिख रहा है? कलर व्हाइट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कलर व्हाइट है, शेप ओवल है। और इसमें अभी थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिख पा रहा होगा, शायद लोअर पार्ट में आप देख रहे हो टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड यह होगी। तो इसमें है इपिडिडाइमिस, और इपिडिडाइमिस के आप टेस्टिस के अपर पोल पे आप देखिए दो कॉर्ड दिख रही है, एक नैरो डक्ट, दिस इज द बस डिफरेंस, और दूसरा ये जो थिक पार्ट दिख रहा है, थिक कॉर्ड, दिस इज टेस्टिकुलर आर्टरी वेन्स एंड नर्व। तो देख लीजिए वास डिफरेंस एंड आर्टरी वेन्स और नर्व मिलकर के क्या बना रही थी? इसके साथ में एक और था टीन का वेजाइनलिस, वो मिलकर बनाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड किसके थ्रू एब्डोमेन में आएगी? थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। नाउ वी कम ऑन द शेप ऑफ द टेस्टिस, ओवल। ओके, कलर कैसा होगा? अभी देखा आपने कलर कैसा है टेस्टिस का? व्हाइट। कलर ऑफ द टेस्टिस इज व्हाइट। ओके, अब इसका साइज देखिए।
साइज ऑफ द टेस्टिस, साइज मीन्स इसकी लेंथ एंड विड्थ। तो इसकी जो लेंथ है वो होती है नियर अबाउट 3 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ माने चौड़ाई इसकी ये होती है नियर अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर। और इसका वेट वजन ये होता है 12 ग्राम। तो बेसिकली अपन को जनरल आइडिया यहाँ पर थोड़ा सा टेस्टिस को लेकर क्या है। टेस्टिस की लोकेशन स्कॉटल सैक में, स्कॉटल सैक में कौन से मंथ में आया, 7 मंथ में। 7 मंथ में आने की प्रोसेस को जल्दी बोलो, डिसेंड ऑफ टेस्टिस। डिसेंड ऑफ टेस्टिस फेल हो जाए क्रिप्टोर की जो टेस्टिस को ऑपरेशन करके स्कॉटल सैक में लेके आ जाए और की प्लेक्स। दूसरा टेस्टिस को आफ्टर बर्थ फिक्स कौन करके रखता है, गुवर्नाकुलम टेस्टिस। टेम्परेचर कितना कम होता है स्कॉटल सैक में बॉडी से, 2.5 डिग्री सेल्सियस। कौन कम करके रखती है, डार्टोस, डार्टोस मसल कंट्रोल द टेम्परेचर। सेप ऑफ द टेस्टिस ओवल, कलर व्हाइट क्यों होता है दिखने में। साइज, साइज में इसकी लेंथ और विड्थ है, वेट 12 ग्राम। ओके, अब दूसरा इसमें आप देखिए ये सब टेस्टिस को अपन देखते हैं, इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, टेस्टिस का एक्चुअल में इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस इसको कवर करते हैं। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, ये एनाटॉमी है। यदि अपन टेस्टिस को कट करके देखें तो अपने को पहले तो बताओ शेप कैसा है टेस्टिस का। शेप ऑफ द टेस्टिस इज देखो डायग्रामेटिकली ओवल शेप, आउटर लेयर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो इसकी इनर लेयर है, दिस इनर लेयर इज द वैस्कुलर लेयर। टेस्टिस की इनर लेयर, दिस इज द वैस्कुलर लेयर। तो अभी आपको दो लेयर दिखती है टेस्टिस की वॉल में। अभी हम नेम करते हैं इनको। इसमें ये जो आउटर लेयर है टेस्टिस की, आउटर लेयर है, कलर कैसा दिख रहा है, व्हाइट। इस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या नाम दिया गया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। चलो जल्दी से बोलो, एक और नाम दिया गया था सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम में, जिसमें फ्लूइड भर जाता है और उस बीमारी को बोलते हैं हाइड्रोसिस। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या था, ट्यूनिका तो था बट ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज आउटर लेयर ऑफ द टेस्टिस। और इसके बाहर यदि अपन देखें इस टेस्टिस के बाहर ये स्ट्रक्चर एक फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, दिस फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम इज कॉल्ड ट्यूनिका वे जायनेलिस। अपन इसको दिखते नहीं है बट तुमको नाम पता है इसको क्या नाम दिया गया था, ट्यूनिका वे जायनेलिस। इसका फंक्शन क्या था, टेस्टिस को बाहरी प्रोटेक्ट, बाहर के जो जर्क है इंजरी है उससे बचाना टेस्टिस को। ओके, इसमें फ्लूइड भर जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोसिस। तो अपन सर्जिकली उसको रिमूव करते हैं फ्लूइड को, वेरी सिंपल। अभी फिलहाल अपन इस पार्ट को हटाते हैं, ये कौन सा पार्ट था, ट्यूनिका वे जायनेलिस। ओके, अब अपने पास केवल ये वाला टेस्टिस है, ठीक। इसकी आउटर लेयर कौन सी है, इनका एल्बिजिनिया, और इनर लेयर, इट्स इनर लेयर ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ऐसा नाम लग रहा है कि वेस्कल से रिलेटेड है, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ट्यूनिका वैस्कुलोसा इनर लेयर है, ट्यूनिका एल्बिजिनिया आउटर लेयर है, साथ में लिखते जाओ। हेडिंग डालो फर्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस,
फर्स्ट आइडियल टिन का एल्बिजिनियम, टिन का एल्बिजिनियम आउटर लेयर, इसका कलर व्हाइट। देखिए टिन का एल्बिजिनियम को लेके बात करें तो ये कैसे कलर की है, व्हाइट कलर की है। और ये बनी किसकी है, इट कंसिस्टिंग ऑफ डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम दिया गया, डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। और ये डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में कौन से टाइप के फाइबर, कोलेजन। कोलेजन का कलर कैसा, व्हाइट, इसलिए इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट। तो आउटर मोस्ट ऑफ द डेंस टिश्यू इज कॉल्ड टिन का एल्बिजिनियम, कलर कैसा है, व्हाइट। और व्हाइट कलर की जो लेयर है उसे बोलते हैं अपन, ये बनी किसकी है, डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर। इसका फंक्शन क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जहां मिलेगा बॉडी में वो मोस्टली कैप्सूल बनाएगा, तो टेस्टिकुलर कैप्सूल, ये टेस्टिकुलर कैप्सूल भी कहते हैं इसको। टेस्ट इसको सेफ दे रहा है, इवन प्रोटेक्शन दे रहा है। सेकेंड इनर लेयर, दिस इज द इनका वेस्कुलोसा, तो ये होती है रिच वेस्कुलर। ट्यूनिका वेस्कुलोसा को लेके बात करें अपन, तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा कैसी है, रिच वेस्कुलर। रिच वेस्कुलर का मतलब है ये, इसमें ब्लड वेसल ज्यादा होगी। और ये इनर मोस्ट लेयर है, इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड सेंसिटिविटी टू द टेस्टिस। अब आप देखिए तीन फंक्शन होगा इसमें, जबकि टीम पे एल्बिजिनिया का फंक्शन क्या था, प्रोटेक्शन एंड सेफ, क्योंकि बना किसका, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। इनर लेयर रिच वेस्कुलर है, ब्लड वेसल की बनी हुई है। ब्लड वेसल कहां से आई है तुमको मालूम था, ये आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, आर्टरी और वेन, वेन्स का एक नेटवर्क होता है, ओनली वेन्स का नेटवर्क। नाम क्या दिया था याद हो तो मेडिकल में जाके पढ़ोगे, पेम्पिफोरोट्रैक्सस, साथ में इसमें नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। तो ये सारी लेयर टेस्टिस के अंदर इस तरह से फैल जाती है और एक लेयर बनाती है कंप्लीट लेयर बिलो द एल्बिजिनिया, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा का देखिए फंक्शन क्या क्या होगा, आर्टरी के थ्रू दे रही है ब्लड न्यूट्रिशन, वेन्स के थ्रू ब्लड कलेक्शन एक्सक्रीशन, और सेंसिटिविटी बाय द नर्व्स। अब दूसरा इसके अंदर के कंपार्टमेंट में जाए अपन, टेस्टिस के अंदर के कंपार्टमेंट, टेस्टिस के अंदर का जो टिश्यू है, टेस्टिकुलर मटेरियल, इसमें क्या है, इसके स्ट्रक्चर को देखिए। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ये जो ट्यूनिका एल्बिजिनिया है, ट्यूनिका एल्बिजिनिया से एक वर्टिकल पार्टीशन निकलता है, सेप्टा बोलते हैं इसको, वर्टिकल सेप्टा। और इस वर्टिकल सेप्टा को बोलते हैं टेस्टिस मीडियास्टिनम। क्या नाम दिया गया इसको, अपन नाम देते हैं मीडिया स्टिनम टेस्टिकुलर, इसको नाम दिया गया टेस्ट इसके अंदर है, तो टेस्टिकुलर मीडियास्टिनम। एक मीडियास्टिनम आपने सुना होगा थोरैक्स में, दोनों लंग्स के बीच का स्पेस, इसमें क्या रखा हुआ है, हार्ट। तो मीडियास्टिनम भी इस मिडिल पार्ट से रिलेटेड है। दूसरा इसमें क्या होता है, फ्रॉम ट्यूनिका एल्बिजिनिया, ट्यूनिका एल्बिजिनिया से कुछ हॉरिजॉन्टल पार्टीशन अराइज होते हैं, तीन हॉरिजॉन्टल पार्टीशन। इन हॉरिजॉन्टल पार्टीशन को अपन बोलते हैं सेप्टा, ये भी सेप्टा है, और इसका एक नाम और है ट्रेविकुली, सेप्टा और ट्रेविकुली। टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते रहिए ध्यान से, ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो अपने को 12th बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम, एम्स एग्जाम, और साथ में यदि आप मेडिकल में अंदर जाते हो एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में तो भी काम आएगा, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी अपन ने देखा टेस्टिस की आउटर लेयर एल्बिजिनिया, इनर लेयर वेस्कुलोसा।
एल्बिडुरिया से क्या अराइज होते हैं? सेप्टा, हॉरिजॉन्टल सेप्टा एंड वर्टिकल सेप्टा। वर्टिकल सेप्टा को नाम देते हैं मीडियास्ट्रम। अब क्या हुआ इसमें, एक तरह से देखा जाए टेस्टिस में एक बड़ा चैम्बर हो गया ये, और बाकी के छोटे छोटे चैम्बर हो गए। तो इन छोटे चैम्बर्स को, इन छोटे चैम्बर्स को नाम दिया जाता है लोब। ये एक्चुअल में क्या है? लोब ऑफ द टेस्टिस। और इनका नंबर 200 to 300 होता है, नंबर ऑफ द लोब या टेस्टिकुलर चैम्बर। एनसीईआरटी भी इसमें आपका कवर हो रहा है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर इधर उधर जाके अपन नीट और एड्स को कवर करते हैं। तो पहले अपन ने देखा फर्स्ट टेस्टिस के स्ट्रक्चर में कि टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे लोब्स हैं, इन लोब्स का नंबर 200 to 300 है। इन्हीं लोब्स में पाई जाती हैं ट्यूबल्स। अब आप देखिए ये ट्यूबल्स अपने को कौन कौन सी ट्यूबल्स प्रेजेंट है इसमें। तो यहां पर देखें ये कॉइल्ड ट्यूबल्स हैं, और ये कॉइल्ड ट्यूबल्स को सेमिनी फेरस ट्यूबल कहा जाता है। क्या नाम दिया गया? सेमिनी फेरस ट्यूबल। और ये जो सेमिनी फेरस ट्यूबल है इनके बारे में अपन देखते हैं, तो देखिए क्या क्या है। सेमिनी फेरस ट्यूबल और एक वर्ड इससे रिलेटेड होता है यूरिनी फेरस ट्यूबल। दोनों में डिफरेंस देखिए, सेमिनी फेरस ट्यूबल है और एक है यूरिनी फेरस ट्यूबल। यूरिनी फेरस ट्यूबल आल्सो कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किस में प्रोजेक्ट है? किडनी में, जहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यूरिन या यूरिया? यूरिन, यूरिया प्रोड्यूस इन द लिवर। ये सेमिनी फेरस ट्यूबल, सेमिनी फेरस ट्यूबल अपन ये सेमिनी फेरस ट्यूबल, सेमिनी फेरस ट्यूबल का नंबर आप देखिए कैसे काम कर रहे हैं। ये लोब है, इन लोब के अंदर इन लोब का नंबर है 200 to 300। तो सेमिनी फेरस ट्यूबल प्रेजेंट इन ईच लोब, वन लोब, एक लोब के अंदर, एक लोब के अंदर वन लोब में इनका जो नंबर है वो है 2 to 3। कितना? 2 to 3। टोटल लोब 200 to 300 लोब्स हैं ये, तो मल्टीप्लाई कीजिए 400 to 900। तो एवरेज अपन देखें सेमी फेरस ट्यूबल का, तो एवरेज मान के चलिए ये नियर अबाउट हो गया 700 अप्रोक्स। तो नंबर ऑफ द सेमी फेरस ट्यूबल इन टेस्ट इज 700। ठीक, सेमी फेरस ट्यूबल में दूसरी बात देखते हैं, तो इन सेमी फेरस ट्यूबल की टोटल एक सेमी फेरस ट्यूबल की लेंथ होती है 80 सेंटीमीटर, जबकि टेस्ट की जो लेंथ है वो 3 to 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एक क्वाइल थिन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसका एक पार्ट होता है क्वाइल पार्ट जो चैम्बर में है, दूसरा इसके पार्ट जो इस मीडिया स्प्लेनम से बाहर आ। तो ये जितने भी सेमी फेरस ट्यूबल है वो सब आपस में यूनाइट होती हैं, और यूनाइट होकर के एक ऐसा रेटे स्ट्रक्चर बनती है। रेटे मींस नेटवर्क जाल, और इस रेटे को बोलते हैं नपोस, इसको नाम दिया जाता है रेटे टेस्टिस। क्या नाम दिया गया? रेटे टेस्टिस। तो रेटे टेस्टिस कहां प्रेजेंट है? मीडियास्टिनम के बाद वाले चैम्बर, और हॉरिजॉन्टल पार्टीशन जो सेप्टा है उनके थ्री जो चैम्बर बनता है उनमें क्या प्रेजेंट है? सेमी फेरस ट्यूबल। सेमी फेरस ट्यूबल रीयूनाइट होती है और क्या बनाती है? नेटवर्क। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड रेटे टेस्टिस। तो देखिए पहला केस, सेमी फेरस ट्यूबल में क्या प्रोड्यूस है? स्पर्म। ये स्पर्म प्रोड्यूस होकर के किसमें आते हैं? रेटे टेस्टिस। तो रेटे टेस्टिस का पहला फंक्शन क्या हुआ? रेटे टेस्टिस का फंक्शन हुआ स्टोरेज ऑफ द स्पर्म इन द टेस्टिस।
टेस्टिस के अंदर स्पर्म का स्टोरेज। दूसरा, अभी टेस्टिस से बाहर आएगा स्पर्म, तो दूसरा अगला रूप कौन सा है देखिए, ये जो रेटेड टेस्टिस है, फ्रॉम रेटेड टेस्टिस यहां से नियर अबाउट 10 to 20 नंबर देखिए, टेस्टिस का टेस्टिस पेयर्ड होता है, बट फिलहाल अपन सिंगल टेस्टिस की बात करें। तो सिंगल टेस्टिस में जो स्ट्रक्चर है उसमें देखिए, आउटर लेयर टीन का एल्बुमिन, इनर लेयर टीन का वेस्ट्रोसा, एल्बुमिन से सेप्टा अराइज हुआ, इन सेप्टा की वजह से चैम्बर्स, चैम्बर्स का नंबर 22-38, ईच चैम्बर 2-3 रोज, एक लोब के अंदर 2-3 क्या पाई जाती है, 75 से बोलते टोटल नंबर इनका 400-900 एवरेज हो गया 700। ऑल सेमीफेरस ट्यूबर ओपन इनटू रेटेड टेस्टिस, फ्रॉम रेटेड टेस्टिस 10 to 20 डक्ट अराइज, दीज डक्ट कॉल्ड वासा एफरेंसिया, क्या नाम दिया गया इसको, वासा एफरेंसिया, या इसको बोलते हैं डक्टुली इफ्रेंट, इफ्रेंट मीन्स जो बाहर है, अफ्रेंट जो अंदर है, ये तो बाहर है, इसलिए इसका नाम एक बार बना क्या डक्ट है, तो डक्टुली इफ्रेंट या वासा इफ्रेंसिया, पर इनका नंबर नियर अबाउट 10 to 20। इन टेस्टिस, अब ये जो स्पर्म थे वो इस रेटेड टेस्टिस से किसमें आया, वासा एफरेंसिया। अभी वासा एफरेंसिया क्या करती है, यहां पर इस तरह से अगेन कॉइल स्ट्रक्चर बनाती है, और ये कॉइल होकर के एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर डेवलप करती है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर डेवलप होता जाता है इस टाइप से। दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, बोलो, एपिडिडाइमस, इसको नाम दिया जाता है एपिडिडाइमस। ये होल स्ट्रक्चर, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिडिडाइमस, दिस इज द एपिडिडाइमस। और ये पोस्टीरियर साइड में होगा टेस्टिस के, इस एपिडिडाइमस के तीन पार्ट, फर्स्ट इज द कॉर्पस, सेकेंड वन कैपोड, थर्ड वन कॉडा, कॉडा ऑफ द टेस्टिस। इसमें जो कॉर्पस पार्ट है ये थोड़ा बड़ा होता है और ग्लोब जैसा दिखता है, तो ग्लोबस मेजर, इसका एक नाम और है ग्लोबस मेजर, और ये थोड़ा सा छोटा है, दिस वन इज कॉल्ड ग्लोबस माइनर, ठीक, ग्लोबस मेजर एंड ग्लोबस माइनर, वेरी सिंपल। आप ये देख रहे हैं ये सब्जेक्ट बहुत सिंपल है, यदि अपन इसको डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं तो। अब आप देख पा रहे होंगे आपको एक भी स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, आपको डायग्राम से ही याद रखना है बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसमें स्पेशली जूलॉजी वाला पार्ट है वो मेडिकल से रिलेटेड है, तो आपको मेडिकल में भी काम आएगा, डायग्राम से भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे आप उसके फंक्शन भी डायग्राम से याद रख सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो थ्योरी है जिसको अपन पढ़ पाएंगे उसको अपन अलग से एक बुकलेट देंगे, उस बुकलेट के अंदर सारा डिटेल स्ट्रक्चर इसका है थ्योरी वाला पार्ट, बट आप डायग्राम से उसको याद रख सकते हैं और आगे प्रैक्टिस में भी डायग्राम से ही याद रखना है, क्योंकि जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे बढ़ेगा तो टेस्ट भी इसके आपको दिए जाएंगे, तो बहुत जल्दी अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक टेस्ट लेने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखें सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में, तो अपने को क्या मिला, एपिडिडाइमस। इस एपिडिडाइमस, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस, ठीक, एपिडिडाइमस, ओके, शॉर्ट में एपिडिडाइमस। इस एपिडिडाइमस के अंदर देखिए क्या क्या है, एपिडिडाइमस की लोकेशन टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पर, और ये एक्सेसरी ग्लैंड है, इसके अंदर नियर अबाउट वन मंथ के लिए
वन मंथ के लिए स्पर्म का स्टोरेज होता है। अभी अपन ने स्पर्म का स्टोरेज और कहां देखा था, रैपिड टेस्ट में। तो रैपिड टेस्ट में तो स्पर्म बनने के बाद स्टोरेज हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इन द सेमी फेरेसिबल। अभी डिटेल आगे अगले लेक्चर में अपन डिटेल देखेंगे सेमी फेरेसिबल को। तो सेमी फेरेसिबल में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, देन स्पर्म कलेक्ट इन द रैपिड टेस्ट। फ्रॉम रैपिड टेस्ट 10 to 20 वासा डिफरेंशियलाइजेशन। अब इस वर्ड वाला आया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस और वासा डिफरेंशिया में क्या है? तो वास डिफरेंस अराइज फ्रॉम कॉडा। कॉडा का बीन पेपर होता है तेल। कॉडा को हम क्या बोलते हैं? तेल। तो इससे कॉडा इपिटेरिया में से तेल है, इपिटेरिया जिसका जहां से क्या अराइज हुआ, वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस, अब आप देखिए इपिटेरिया में से वास डिफरेंस का स्ट्रक्चर, इसका कट सेक्शन देखते हैं, इसकी जो डक्ट है, तो आउटर डक्ट की जो आउटर लेयर है वो होती है सर्कुलर मसल की। ध्यान दो, कौन सी मसल? सर्कुलर मसल। सेम सर्कुलर मसल आउटर लेयर किसमें होती है? वास डिफरेंस। इनर लेयर अंदर की लाइनिंग है इस डक्ट की और इस डक्ट की, वो होती है एपिथेलियम, और उसमें पाई जाती है स्टीरियोसिलिया। तो स्टीरियोसिलिया की वजह से मूवमेंट दी जाती है किसको? स्पर्म को। तो प्रोवाइड पैसेज टू द स्पर्म बाय द वास डिफरेंस। एंड इन एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में दो फंक्शन है, याद रखो। पहला फंक्शन तो स्टोरेज, स्टोरेज अप टू 30 डेज मींस 1 मंथ के लिए स्टोरेज हुआ। दूसरा इसका फंक्शन है फिजियोलॉजिकल मैच्युरेशन। ये फिजियोलॉजिकल मैच्युरेशन भी उसका रास्ता है। फिजियोलॉजिकल मैच्युरेशन का मीन है स्पर्म में मूवमेंट की कैपेसिटी का आना, मोटिलिटी की कैपेबिलिटी का आना, माने स्पर्म में गति करने की क्षमता आ जाती है। क्योंकि स्पर्म बना कहाँ? सेमी फेरेसिबल। सारे स्पर्म बनने के बाद कलेक्ट किसमें हुए? रेटेड टेस्टिस में। रेटेड टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया अराइज हुई, ये टेस्टिस से बाहर आकर कॉइल होकर के क्या बनाएगी? एपिडर्माइस। एपिडर्माइस का तीन पार्ट, तीन में से जो लोअर पार्ट है कॉडा, इस कॉडा से क्या अराइज हुई है? वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस स्पर्म को लेके आ, इमेजिन करो ये वास डिफरेंस अब कहां आ रही होगी? टेस्टिस के अपर पोल पर। टेस्टिस के अपर पोल पर ये देखिए आर्टरी वेंस और नर्व से साथ में, इसमें अभी अपन ने कहा था ये फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम इज कॉल्ड ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस और कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे मिलकर के ये बनाते हैं कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। और ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर आप देखिए रहा, टेस्टिस का लोअर पार्ट, इसमें एक छोटी डक्ट और एक बड़ी डक्ट। ये एक्चुअल में छोटी डक्ट है वास डिफरेंस, बड़ी डक्ट है आर्टिकुलर आर्टरी वेंस एंड नर्व, और साथ में ट्यूनिका वेजाइनलिस वो अलग हो गया। तो ये सब मिलकर स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाएंगे। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड किस में जाएगा? इन द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल के बाद फिर ये वास डिफरेंस यहां से अलग होगी। इमेजिन करो ये वास डिफरेंस यहां से निकल कर, आप बता सकते हो ये मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर, और इस यूरिनरी ब्लैडर पर ये क्या आ रही होगी? यहां से यूरेटर, यूरेटर का टर्न करके फिर ये आती पोस्टीरियर साइड में, इसका फूला हुआ पार्ट एम्पुला। एम्पुला किसके साथ मिल गया? सेमाइनल वेसिकल। फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल और एम्पुला पार्ट से क्या अराइज हुआ? इजेकुलेटरी डक्ट। और ये यूरिनरी ब्लैडर के लोअर पार्ट से क्या निकल के बाहर आता है? यूरेथ्रा। तो इस यूरेथ्रा में आप देखेंगे अभी यहां पर क्या पायस करती है एक साइड से इजेकुलेटरी डक्ट, किस ग्लैंड को पायस करेगी? प्रोस्टेट ग्लैंड, एक साइड को दिखा रहे, दूसरी साइड में होगा। फिर आएगा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में क्या प्रेजेंट होगी? काउपस ग्लैंड। काउपस ग्लैंड ओपन इनटू द
फिनाइल यूरेथ्रा से फिर ये मेल बॉडी पेनिस और पेनिस के थ्रू ये बॉडी से बाहर आया कौन स्पर्म। आप देखिए पूरा स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। तो टेस्टिस में याद रखो कितनी लेयर, टू। आउटर लेयर क्रीम का एपिथेलियम है, आगे मसल भी होती है, क्रीमेस्टिक फासे है, उसमें मत जाओ। आप तो सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि आउटर लेयर टीम का एपिथेलियम, इनर लेयर टीम का वेस्क्लोसा, सेप्टा, टेस्टिस के अंदर का जो मटेरियल है, इस मटेरियल को कई कंपार्टमेंट में चैम्बर में कौन डिवाइड करता है, सेप्टा। सेप्टा किससे अराइज होगा, टीम का एपिथेलियम से, क्योंकि ये बना किसका है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। इन सेप्टा दो टाइप के सेप्टा है, एक वर्टिकल सेप्टा और बाकी का हॉरिजॉन्टल सेप्टा। वर्टिकल सेप्टा को नाम दिया जाता है मीडियास्टिनम। इस मीडियास्टिनम बाद वाले चैंबर में प्रेजेंट होगा रेटिनोटेस्टिस, बट जो छोटे छोटे चैंबर्स हैं जिनका नंबर नियर अबाउट 200-300 है, ईच चैंबर में 2-3 सेमी फेरस ट्यूबल है, इस तरह से टोटल नंबर नियर अबाउट 700 हुआ। सेमी फेरस ट्यूबल एक कॉइल स्ट्रक्चर है, टोटल लेंथ इसकी है 80 सेंटीमीटर। इसके अंदर अपन डिटेल स्ट्रक्चर बात करेंगे, फॉर्मेशन किसका हुआ, स्पर्म का। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मिस स्पर्मेटोजेनेसिस, अब देखिए टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस है तो ऑफकोर्स टेम्परेचर कितना चाहिए, 2 डिग्री 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, उसको मेंटेन करती है डायटोमस। एंड सेमी फेरस ट्यूबल जितनी भी है वो सब इस मीडियास्टिनम की तरफ आती है, मीडियास्टिनम में एंटर करके फिर एक कॉर्ड बनाती है, बाद में वो नेटवर्क बनता है, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड द रेटिनोटेस्टिस। फ्रॉम रेटिनोटेस्टिस वासा एफ्रेंसिया अराइजेस और ये वासा एफ्रेंसिया का नंबर 10-20 है। यहां इनका फंक्शन होता है प्रोवाइड मैसेज टू स्पर्म। अब स्पर्म अगले स्ट्रक्चर किसमें आया, इपिडेलाइनस में। इपिडेलाइनस के तीन पार्ट, जिसमें ऊपर का बड़ा पार्ट मेजर पार्ट है। इस इपिडेलाइनस के लोअर पार्ट कॉडा से क्या अराइज होगा, वास डिफरेंस रन एट द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस एंड कंबाइन विद द एंड इट इज द पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड एंटर इन द एब्डोमेन थ्रू द इन्गुइनल कैनाल। बाद में ये सेपरेट होता है, सेपरेट होकर के यूरिनरी ब्लैडर की पोस्टीरियर सरफेस पर सेमाइनल वेसिकल के साथ मिलकर के ये डक्ट पर आएगा, दिस डक्ट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट, ये भी स्पर्म को प्रोवाइड करेगा पैसेज। अब अपने पास दो फंक्शन बचते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सेमाइनल वेसिकल देखिए, सेमाइनल वेसिकल का जो फंक्शन है वो मेजर पार्ट सीक्रेट करना सीमन का नियर अबाउट 60-70%। और इस सेमाइनल वेसिकल में फ्रक्टोज प्रेजेंट है, वो फ्रक्टोज एक्चुअल में न्यूट्रिशन देता है, फ्यूल होता है स्पर्म का, एनर्जी देने वाला। इसके साथ साथ इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। इसी सेमाइनल वेसिकल की वजह से पीएच 7.3 होती है। जब ये फ्यूल इजेक्युलेटरी डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में आएगा तो इस यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है उसको कंट्रोल किया जाता है यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यूरेथ्रल स्फिंक्टर एक्चुअल में क्या है, सीमन का इजेक्युलेशन एक न्यूरोनल रिफ्लेक्स, उस पर अलग से बात करेंगे। फिलहाल आप इतना देखिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन यूरेथ्रा में आ रहा है। सेमाइनल वेसिकल देखिए, अपन टेस्टिस के पीछे से चले तो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, कलेक्शन इनसाइड द टेस्टिस रेटिनोटेस्टिस में हुआ, वासा एफ्रेंसिया ने पैसेज प्रोवाइड किया, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म एंड स्टोरेज इन एपिडेलाइनस, वासा रेफरेंस ने फिर से इसको प्रोवाइड किया पैसेज। जो वासेक्टोमी करते हैं ना, उस वासेक्टोमी में अपन क्या करते हैं, इस वास रेफरेंस को कट किया, कट करके लाइगेट कर दिया, तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं वासेक्टोमी, वीटी ऑपरेशन। तो वीटी ऑपरेशन में स्पर्म का प्रोडक्शन तो कंटिन्यू रहेगा, पेशेंट फर्टाइल होगा, बट स्पर्म सीमन में एब्सेंट। आगे बात, वास डिफरेंस। अब ये जो सेमाइनल वेसिकल है प्रोस्टेट ग्लैंड, इनमें देखिए फंक्शन क्या है। सेमाइनल वेसिकल की पीएच 7.3,
प्रोस्टेट ग्लैंड से अब ये इसका जो सेमिनल वेसाइकल है और इस बाद में जनरेटरी डक्टिस में आ गया यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा में जब आया तो प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सीक्रेशन इसमें मिक्स हो गया, तो सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सीक्रेशन है वो मिक्स हो गया। इस प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सीक्रेशन, यदि अपन प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो इसके सीक्रेशन में प्रोस्टाग्लैंडिन, फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन अपन को कहां से आया, सेमिनल वेसाइकल से, कुछ क्लॉटिंग एंजाइम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये सारा सीक्रेशन यहां मिक्स हो गया। तो अब क्या होगा, सीमन का क्लॉट, सीमन की क्लॉटिंग कहां पे होगी, इस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। उसके बाद में जिससे स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाए, अब स्पर्म आगे मूव करे इसके लिए उसका उस क्लॉट को डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो वहां पर एक एंजाइम है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर फाइब्रिनोलाइसिन, इनएक्टिव फॉर्म में होता है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। अभी थोड़ा अगले लेक्चर में इन दोनों के फंक्शन को डिटेल पढ़ेंगे, अभी सुनते रहिए कि इतना समझिए। अभी सीमन का 60-70% पार्ट किसका है, सेमिनल वेसाइकल, 30% प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सीक्रेशन है और सेमिनल वेसाइकल का सीक्रेशन, ये दोनों मिक्स होकर के स्पर्म सीमन का क्लॉट बनाते हैं। बाद में उस क्लॉट को डिजॉल्व किया जाता है इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशन में प्रोफाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम द्वारा। अब स्पर्म यहां से मोटाइल होता हुआ यूरेथ्रा के पास होगा, बॉडी से बाहर होगा, तो स्पर्म का बॉडी से बाहर होना इजैकुलेशन, ये टर्म अपने पहले लेक्चर में क्लियर किया था। प्रोस्टेट ग्लैंड देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन है, इस यूरिनरी ग्लैंडर में तो यूरिन है और यूरिन की पीएच 6 है, तो मीडियम अभी अल्कलाइन था, जब स्पर्म पास होगा तो मीडियम चाहिए, सॉरी यूरिन की पीएच 6 है तो मीडियम है एसिडिक, एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए काउपर्स ग्लैंड, और वो काउपर्स ग्लैंड इसका सीक्रेशन जो होता है वो कैसा होता है, स्लाइम और जेली। व्हाइट और विस्कस फ्लूइड किसका होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का। सीमन में स्पेसिफिक ऑर्डर भी किसके सीक्रेशन की वजह से, प्रोस्टेट। अब अपन फाइनली जो यूरेथ्रा से रिलीज होगा उसको नाम देंगे सीमन। तो सीमन मेल बॉडी से रिलीज हुआ, इस सीमन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, स्पर्म एंड रेटिनोसिस, एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसाइकल एंड कॉपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सभी ग्लैंड का सीक्रेशन। तो स्पर्म प्लस ग्लैंडुलर सीक्रेशन कलेक्टिवली कॉल्ड सीमन। नेक्स्ट लेक्चर में पेनिस और सीमन के बारे में।